पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के अंतर्गत चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज संत कंवरराम स्कूल आशागंज में सिंधियत जी शान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संत कंवरराम स्कूल के अध्यक्ष नरेश शानी भगत ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्कूली बच्चों द्वारा सिंधी समाज, जनरल नॉलेज और अजमेर के इतिहास के बारे में सवाल पूछे गए और अपने विचार भी रखे गए। इस अवसर पर बच्चों को पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि कलवाणी परिवार की ओर से भेंट की गई। इस मौके पर सिंधी समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, क्या प्रोग्राम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है? लाला जाति चौ झूलेलाल, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर शहर में चेटीचंद महोत्सव के अंतर्गत झूलेलाल जयंती समारोह समिति के अंतर्गत 15 दिन का पखवाड़ा मनाया जाता है। ये 31 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक शहर के विभिन्न एरिया में हर जगह पर कार्यक्रम करे जाएंगे और कार्यक्रम चालू भी हैं। इसी के अंतर्गत आज संत कंवरराम विद्यालय के प्रांगण में एक बच्चों का जो है वो सिंधियत की शान, जो बच्चों जिसको कहते एक सवाल जवाब पूछे गए, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपने जो भी सवाल सिंधी समाज के लिए या जनरल नॉलेज के लिए या अजमेर शहर के विकास के लिए जो सवाल पूछे गए उस पर अपने विचार रखे और उन विचारों के अंतर्गत बच्चों को प्रोत्साहन किया गया तथा इसमें एक और दो तीन नंबर रखे गए हैं जिनके लिए उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी जो कि कलवाणी परिवार के द्वारा दी जाएगी। अजमेर शिक्षा समिति के अंतर्गत, सिंधी शिक्षा समिति के अंतर्गत भगवान कलवाणी जी उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम की सारी संरचना करी है और उसके अंतर्गत ही बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि बच्चों को ये पता पड़े कि हमारे सिंधी समाज में और हमारे अजमेर शहर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से हम कार्य कर सकते हैं और कौन कौन से हम आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम संत कंवरराम स्कूल के प्रांगण में रखा गया है। मैं नरेंद्र शानी भगत, अध्यक्ष अजमेर सेंट्रल सिंधी महासमिति, अध्यक्ष संत कंवरराम स्कूल।